उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे हजरतगंज कोतवाली पहुंचे तो हड़कंप मच गया। अब्बास और उमर अंसारी पर जिला प्रशासन की तरफ से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि हजरतगंज थाना इलाके के डालीबाग में मुख्तार अंसारी ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर एक टॉवर का निर्माण कराया था। बीते साल अगस्त माह में पुलिस ने टॉवर को ढहा दिया था, साथ ही लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने पर पुलिस ने अब्बास और उमर अंसारी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। वहीं कल यानी सोमवार को अब्बास और उमर अंसारी अपना बयान दर्ज कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। दोनों के ऊपर निष्क्रांत संपत्ति पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर कब्जा करने और अवैध निर्माण का आरोप है। इस दौरान अब्बास और उमर अंसारी ने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे ले लिया है। एक की मुकदमा है जो है प्रॉपर्टी का जो है जो मकान उनका ढाया गया था उसी पर दर्ज जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसी मुकदमे पूछताछ के लिए उनको पुलिस ने बुलाया था, उसी पे आए। किसको बुलाया था? बयान दर्ज कराना ये तो कानून का काम है, कोर्ट अपना पुलिस अंदर बयान दर्ज कर रही है। हमारा पक्ष ये है कि जो पुलिस ने बुलाया है बयान के लिए और हम बयान पे आए हैं, हमें संविधान पे पूरा विश्वास है, वो जो पूछ रहे हैं हम उसका जवाब दे रहे हैं। किसको बुलाया है यहाँ? किस किस को बुलाया गया है? अब्बास अंसारी को और उमर अंसारी को भी। उमर अंसारी।